क्या रस शेखर रास रासेश्वर रस मंडलाधिपति रस नायक रस विनायक रस मोहन रस ललित श्री राधारमण देव की असीम अनुकंपा कृपा से हम सभी भक्तगण श्री भाटिया जी के तिरुभाव की इस पुण्य स्मृति पर समुपस्थित हुए हैं। देखो आजकल संसार में अगर किसी से मिलो एक प्रश्न बड़ा एक उत्तर बड़ा सुनने को मिलता है कि हम सबको जाना तो एक ही जगह है, भगवान का नाम क्यों लें? सबको मर के जाना एक ही जगह है, भगवान का नाम क्यों लें? देखो गड़बड़ी यहीं पर से शुरू हो जाती है कि हर भक्त की डेस्टिनेशन अलग है। जिसने गलत काम करा वह गलत काम करके तो 28 नर्क बने हुए हैं और 28 नर्कों के अंदर नहीं नर्कों के अंदर डोलता रहता है, डूबता रहता है, जलता रहता है और फिर वापस यहां आ जाता है। और जिसने अच्छे काम करे, कर्मयोग जिसे कहा गया है, अच्छा जी हम तो अच्छे काम करते हैं, हमें तो कोई भगवान भगवान से कोई मतलब नहीं है, भगवान तो हमारे दिल में बसा हुआ है, हमें कोई किसी मंदिर मंदिर जाना नहीं है, जो है वो बस हमारी सेवा है, नर नारायण की सेवा कर रहे हैं, गरीब आ जाता है दुखी आ जाता है उसकी सेवा कर देते हैं और उसी से बस हमारा भगवान खुश है और हम खुश हैं। ये कर्मयोग है। गीता के अंदर तीन योगी तो है मुख्य, पहला है कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग और तीसरा है भक्ति योग। तो जो कर्म की बात करते हैं कि मेरा कर्म है, तो कर्म दो प्रकार के बताए हुए हैं। एक तो वह है कि सबके लिए अच्छा अच्छा करा, जैसा बोल रखा है शास्त्रों ने, सबको अच्छा खुश रखा, कैसे भी खुश रखा, हाँ तन मन धन से जैसे भी खुश रख सकते थे वैसा खुश रखा, दूसरा आदमी खुश हो गया, ज्यादा से ज्यादा वहां से स्वर्ग चले जाओगे, स्वर्गवासी बन जाओगे। पहला ये स्थान भूलोक, उसके ऊपर भूवरलोक और उसके ऊपर स्वर्गलोक। तो यमराज के पास जाओगे, यमराज का अकाउंटेंट जो चित्रगुप्त बैठा हुआ है वो देख के तुम्हें बताएगा अच्छा इसने अच्छे काम करे हैं, जिंदगी भर इसे स्वर्ग भेज दिया जाए। स्वर्ग होलीडे डेस्टिनेशन है, वो गर्मियों की छुट्टियां हैं ये, वो जब तक का पुण्य की सेविंग तुम्हारे पास है तब तक वहां पे एंजॉय करोगे, उसके बाद फिर से यहाँ लौट के आ जाओगे। क्योंकि भाई जितनी रुपया होते हैं जेब में उतनी दूरी जाया जाता है घूमने के लिए, हर कोई थोड़ी ना विदेश चला जाएगा, हर कोई ना थोड़ी ना वहां नैना नैनीताल कहीं चलो जाएगा, हम सब लोग अधिकतर कहाँ जाए, हरिद्वार बनाने जाए, जिसके बाद जिसकी लक्ष्मी उतनी सेविंग वो उतनी दूर तक पहुंच गया। दिल्ली वाले तो जैसे ज्यादा कहां जाएंगे, मसूरी नैनीताल शिमला। तो ये स्वर्ग क्या है, होलीडे डेस्टिनेशन है। ये सात लोक हैं, यहां पृथ्वी को मिलाकर सात लोक बैठते हैं, पहला भूलोक, फिर भूवर लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर महर लोक, फिर जन लोक, फिर तप लोक और उसके बाद आखिरी आता है सत्य लोक, जहां पे सन्यासी आदि ऋषिगण मनीगण पहुंचते करते हैं। ये कर्म के आधार पे है कि गृहस्थ ने अच्छा काम करते हुए मर गया तो कौन से लोक में चला जाएगा, ऋषि महाराज अच्छा काम करते हुए मर गए तो वो कौन से लोक में चले जाएंगे, ब्रह्मचारी रहे मर गए तो कौन से लोक में चले जाएंगे, इन्हीं साथ में ही डोलते रहेंगे। और जिसने कुछ नहीं करा, ना अच्छा करा ना बुरा करा जी, वो ना उसे भगवान चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं है, वो उसके ऊपर एक समुंदर है सात लोगों के ऊपर, उस समुंदर में डुबकी खाता रहता है, जब चार योग खत्म हो जाते हैं तो उसकी आत्मा वहां पर फ्लोटिंग करती रहती है, नहाती तैरती रहती है और जब फिर से चार योग के बाद फिर से सृष्टि शुरू होगी, वहां से आत्मा आ जाएगी और इस पृथ्वी पर फिर से तुम किसी ना किसी जीव आदमी बन के कीड़े मकोड़े बन के फिर से जन्म ले लोगे।
इसके बाद ज्ञान योग वाले आते हैं, वो आते हैं ना ब्रह्म ऋषि हैं। हाँ, कई सारे सन्यासियों के आपने आके सुना होगा, जैसे हमारे यहाँ पर किसी का प्राणांत हो जाता है तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गए। हाँ, परंतु अगर किसी ऋषि सन्यासी के बारे में अगर आप सुनो तो क्या कहा जाता है, ब्रह्मलीन हो गए। कि ये ब्रह्मलीन महर्षि हैं, ये ब्रह्मलीन ब्रह्मर्षि हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद ज्ञान योग है, यहाँ पे लीन हो जाना है भगवान के अंदर जी, हमारी आत्मा उस परमात्मा में जाके मिल जाएगी। वो ब्रह्म लोक है जो कारण समुद्र के ऊपर है, वहां पे परमात्मा के संग हमारी आत्मा जाके मिल गई, वो ब्रह्मलीन हो गए। तो अब जहां जिसे ब्रह्मलीनता भी नहीं चाहिए, हम जैसे जो भक्त हैं वृंदावन के, उन्हें ब्रह्मलीनता नहीं चाहिए, उसके ऊपर फिर आते हैं पराव्योम, और वह भक्ति योग आता है जहां पे देवी की, महाराज देवी का लोक विराजित है, गणेश का लोक विराजित है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का वैकुंठ भी है, जहां पर श्री महादेव का कैलाश भी है, यहां पे मोक्ष मिलते हैं, यहां पे मुक्तियां प्राप्त होती हैं। मर के एक स्थान पे नहीं जाया जाता, ध्यान रखियो, ये शास्त्र को वेद को नियम है या श्रीमद् भागवत को नियम है, ये मरने के बाद एक जगह नहीं जाना है। जिसने जितना कमाया है, जितने पुण्य कमाए हैं, उतनी दूर तक जाओगे। अब जो शिव के उपासक हैं, वे महाराज कैलाश पे पहुंच जाएंगे, जो देवी के उपासक हैं वे देवी के पास चले जाएंगे, जिन्हें भगवान विष्णु के अंदर उनकी भक्ति है, उनके चरणों में प्रीति है, वे वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वहां चार प्रकार की मुक्तियां पहुंचती हैं। उसके यहां मुक्तियों पे भी जाके खत्म नहीं होता है। उस वैकुंठ के अंदर भी ऊंचाई पर एक है अयोध्या, जहां पे भगवान श्री राम के भक्त पहुंचते हैं। भाई जो भगवान राम के अंदर जिनकी प्रीति है, वह मरने के बाद तो भगवान सीता राम के पास ही तो पहुंचना चाहेगा, वो थोड़ी ना विष्णु के पास जाना चाहेगा। अब हनुमान जी है, जब यहां से गए तो वे वापस कहां जाएंगे, राम के पास ही तो जाएंगे ना। वे प्रतिदिन लीला किसके संग करते हैं, सीता राम के संग ही तो करते हैं। सीता राम कहां विराजित है, अयोध्या में। और जिसे राम के अंदर प्रीति नहीं, जिन्हें द्वारकाधीश के अंदर प्रीति है, तो द्वारका अयोध्या से भी ऊपर है। और जिसे ना पराव्योम में कहीं जाना है, ना उसे कहीं अयोध्या में जाना है, और ना उसे भैया कहीं द्वारका में जाना है, जिसे कृष्ण में प्रीति है, तो सबसे ऊपर जो लोक कहा गया है शास्त्रों के अंदर, वह कहा गया है गोलोक वृंदावन। यह वृंदावन के जो भक्त हैं, वह कहां जाते हैं, वो सबसे ऊपर जो लोक है उस गोलोक वृंदावन के अंदर जाते हैं। और उस गोलोक वृंदावन के अंदर भी एक गोकुल है और दूसरा वृंदावन है। ध्यान रखियो भैया, जैसी डेस्टिनेशन चूज करोगे वैसी भक्ति से भगवान प्राप्त होवेंगे। ऐसे बैठे बैठे घंटारी हिलाने से ना हो, मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि भाव की भक्ति है ना, भाव ही नहीं है मन के अंदर तो वह भगवान कौन से रूप में निकल के आ जाएगा। एक गोलोक है, उस गोलोक के अंदर भगवान मेरे विराजे हुए विराजित हैं अपने सखाओं के संग, अपने नंद बाबा यशोदा के संग। और उसके बाद एक वृंदावन है जहां पर भगवान श्री कृष्ण विराजित हैं श्री राधा रानी के संग, सिर्फ गोपियों के संग। वहां पे और कोई जाता ही नहीं है, वहां पे सिर्फ गोपियां ही जा सकती हैं, वहां पे कोई पुरुष जा ही नहीं सकता है। देखो, एक आपने कभी यूं सोचो, जब कंस कृष्ण को मारना चाह रहा हो, तो कभी कृष्ण कंस ने यूं सोची कि मैं खुद वृंदावन जाके कन्हैया को मार दूं,
कंस तो कभी भी नहीं गया वृंदावन मारने के लिए, अपने असुरों को, अपने जितने साथी थे उनको भेजता था दैत्यों को, जाओ कृष्ण को मार के आ जाओ, जाओ कृष्ण को मार के आ जाओ। क्यों भेजता था? क्योंकि एक बार गलती से वृंदावन की तरफ चला गया। वृंदावन में एक कुंड है और उस कुंड का महात्म्य पद्म पुराण आदि में ये दे रखा है कि जो भी डुबकी लगा लेता है वह गोपी बन जाता है। कंस मथुरा का राजा, 10,000 हाथियों का बल, और भैया 10,000 हाथियों का बल वह आदमी, गर्मी में उसे जरा पसीने वसीने निकले, सामने देखा कुंड, जाके डुबकी लगा ली। और जैसे ही डुबकी लगाई महाराज, इतना तो बलशाली, कठोर कठोर उसकी स्किन थी, इतनी बड़ी त्वचा, ऐसी सुकोमल सी गोपी बन के बाहर निकल के आ गया। अब काटो तो खून नहीं, समझ भी ना आवे वाके का करूं मैं। वहां पे रथ खड़ो है, रथ के संग सारथी है, उसके पहरेदार सिपाही है, वो कहीं जाने को ही ना रहो, अपना मुंह छिपा रहा, सोच लो अगर मैं अपने सिपाहियों के पास चलोगे तो सिपाही मेरे ऊपर हंसेंगे। सब तलवार वलवार सब चली गई, नाक में महाराज मथनी पड़ गई, कान में कुंडल आ गए, महाराज यहाँ बड़ो सो टीका आ गया, पूरे सब कपड़ा गोपियों के तरह से लहंगा फरिया पहन लिए और चूड़ियां बज रही थी उसके हाथों में। इतनी देर में ललिता सखी आई, ललिता सखी ने भाई पकड़ो, पकड़ के बोली अरे का मुटल्ली यहाँ पे बैठी भई है, इधर आ कंडा था अपने। अब कंस तो बोल भी नहीं पा रहा है कि मैं तो कंस हूं, राजा हूं। हाँ तो वो तो मुटल्ली सखी बन गया। ओ भैया 6 महीना तक वाने कंडा था पे। एक दिन रोते रोते कंडा थाप रहा था तो किसी गोपी ने उसके पास जाके पूछ लिया, भाई क्यों रो क्यों रही है तू सखी? बोले दिल की बात बताऊं तो राजा था। बोले कौन सा राजा था ये तो बता। बोले ये मत पूछ। बोले ये नहीं पूछूं तो फिर तू तो रोती रहेगी, तुझे अगर तेरा रोना अगर तुझे बंद करवाना है तो बता मुझे तू कहां से है, कौन है? बोले मैं कंस हूं। भैया कंस? अच्छा तू ही कंस है, अच्छा अच्छा मुटल्ली है, 10,000 आती उनको बोलो। उसे पकड़ा, पकड़ के अच्छा तुझे फिर से कंस बनना है? हाँ। बोले चला दूसरे कुंड में जाके स्नान करवा दिया। स्नान करवा के महाराज जब बाहर निकला, फिर से कंस बना हुआ था, तलवार थी, ढाल थी, सब था। सखी बोली आगे से वृंदावन अयोगी मती ना, अब तो वृंदावन की तरफ मुंह भी कर लियो ना, तू सखी बन जाए। वो डर गयो, ऐसो डर गयो कि आज बाकी बात कभी वृंदावन ही ना आए गयो। कन्हैया को जब जब मारनो तो का कर, तो अपने सखाओं, अपने जितने भी देखते थे, दानव थे, राक्षस थे, उनको भेज देता, भैया तुम जाओ, तुम सखी बनो, सखा बनो, कैसे भी करो, मार दो भाई। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भी ये भयो, वहीं से गोपियों का और प्रेम और रस की बात और रास की बात जरा चर्चा सुन ली। पहुंच गया अर्जुन कृष्ण के पास, अरे हम तो सोचते थे तुम हमारे बड़े सखाओ, ये क्या है, तुम कुछ बात ही नहीं बताते हो, वहां वृंदावन में क्या रास करते थे, क्या है ये सब, हाँ हमें वहां के दर्शन तो कराओ। कन्हैया बोले भैया गांडीव धारी, तुम जरा कुरुक्षेत्र में जरा महाभारत को युद्ध कर लो, तुम कहां सब पहुंच गए रासवास की चर्चा करने के लिए, तुम्हारी चर्चा वर्चा का विषय नहीं है। अर्जुन बोलो देखो जी गोली तुम दो मतीना, बात है गई, हम कह रहे हैं तुमसे हमें रास दिखाओ। बोले रास तो तब दिखे, वो शास्त्रों के अंदर कथा है कि भगवान कह रहे शास्त्र तो तब दिखेगा जब तू अर्जुन से अर्जुनी बने हो। महाराज कंफ्यूज है गयो, बाकी फ्यूज उड़ गए अर्जुन के। बोले मैं अर्जुन से अर्जुनी कैसे बनूंगा, दूसरो जन्म लेना पड़ेगा। बोले मुझे तो अभी जन्म में देखना है। बोले तू चिंता मत कर, तू अगर रेडी है ना तू अर्जुनी बनने के तहत, तू मुझे पता मैं सरोवर में जाके स्नान कराएगा। महाराज उठायो वो रेडियो, हाथ जोड़ लिए दीनानाथ मुझे तो तुम अपने रास रासेश्वर स्वरूप के उस वृंदावन धाम के दर्शन कराओ। अर्जुन को पकड़ा ले गए,
महाराज डुबकी लगा के बाहर निकला, गांडीव धारी अर्जुनी बन चुका था, उसके भी लहंगा फरिया आ गए थे, लंबे लंबे बाल हो गए थे, नाक में मारा नथुनी आ गई थी, यहाँ पे बड़े बड़े कुंडल आ गए थे, इतनी सारी चूड़ी कड़े आ गए थे, कमर में कड़घनी बज रही थी, पैरों में पाजेब बज रही थी, वो कंफ्यूज कि यार अब मैं करूं क्या, अपना चेहरा देखने के तहीं वो सरोवर के उस जल में देखने लगा, अरे राम मैं तो अर्जुनी लग रहा हूं, मेरी बीवी मुझे नहीं पहचानेगी। इतनी देर में सब गोपियां वहां पे आ गईं, अरे देखो देखो नई गोपी आई है, नई गोपी आई है, सबने श्रृंगार करा है उसका। करने के बाद श्री राधा रानी के दर्शन कराए हैं, राधा रानी के दर्शन कराने के बाद जब लेके गए फिर रास रासेश्वर के दर्शन हुए। रास रासेश्वर के दर्शन होने के बाद वहां पे रास लीला में अर्जुनी सम्मिलित हुई, थकावट वही ठाकुर जी समझ गए सखाए जेका नाचनो जाने, जे तो महाराज खड़ो खड़ो तीरी मार सके लड़ाई कर सके, जे थोड़ी ना नाच वाच करनो जाने। ठाकुर जी ताड़ गए, बोले भैया अपनी सखियन से गई जरा जाओ डुबकी लगवा के अर्जुन बना के बाद भेज दो बाहर। देखो भगवान शिव भी उस वृंदावन में प्रवेश करने के लिए जब गए तो गोपेश्वर का रूप लेके गए, गोपी बन के गए। उस वृंदावन में प्रवेश ही तभी संभव है जब गोपी बना जाएगा। ये बहुत जरूरी है। अब ये डेस्टिनेशन के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। जैसी डेस्टिनेशन है महाराज वैसे ही भजन होएगा, वैसे ही पूजा पाठ होगी, वैसे ही सबको वैसे ही मंत्र चलेगा। कर्मयोग करना है जी करते रहो, खूब करो प्यार से सब। चक्कर क्या है, परेशानी क्या है इस जीवन के अंदर। अभी कल ही कथा सुन रहे थे श्री आचार्य प्रेमदास जी की, बड़ी बढ़िया बात कही उसके अंदर उन्होंने कि भैया यह कलयुग तो कसाई के समान है और यहां पे जो जीव रह रहे हैं वे बकरे के समान हैं। खूब भर भर के खाने की कोशिश कर रहे हैं, खूब भर भर के खा रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं, परंतु मालूम नहीं है एक दिन कसाई का फरसा चलेगा, गर्दन कट जाएगी, हम ऊपर चले जाएंगे। चक्कर क्या है कि वहां उस कसाई के उधर से निकलने के लिए तुम्हारा मन हो चलो जी मर गए कुछ तो कर नहीं सकते, फंसे हुए हैं मर के चले जाएंगे, मर जाएंगे तो अच्छा होगा, परंतु यहाँ पर बात अलग है कि महाराज तुम अगर बैठ गए कि कुछ भी नहीं है, जो है वो बहुत है, जैसा है वो बहुत है, ऐसे प्रकार के व्यक्ति बहुत होते हैं, जो है हम तो उसी में संतुष्ट है, हमें कोई भगवान भगवान नहीं चाहिए। क्या परेशानी हो जाती है कि ये कसाई जो है ना ये स्वर्ग तक चले गए नर्क तक चले गए, वापस फिर से यहीं पर इसी कसाई के पास आना पड़ता है। क्योंकि दो प्रकार के व्यक्ति हैं जो कभी भी भगवान की उपासना नहीं करना चाहते हैं। पहला तो वो जो कभी भी चाहते जो है वो बहुत बढ़िया है, हमें और किसी चीज की चाहत नहीं है। एक राष्ट्रपति थे, किसी होटल पे गए, होटल की बालकोनी से नीचे की तरफ देखा तो एक फूल वाला बैठा हुआ था, लेटा पड़ा हुआ था, आराम कर रहा था। राष्ट्रपति को फूल चाहिए थे तो राष्ट्रपति ने देखा रे वाह फूल वाला नीचे ही लेटा हुआ है, कहीं जाने की किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जाता हूँ जाके लेके आ जाता हूँ। होटल से नीचे अपने कमरे से नीचे आए, आके फूल वाले की तरफ गए और जाके बोले फूल वाले से, अरे फूल वाले भैया क्या आराम कर रहे हो, जरा खड़े होके बोलो, जरा चीख चीख के बोलो फूल ले लो फूल ले लो फूल ले लो, जरा चार पांच लोग और आवेंगे तुम्हारे सब फूल बिक जाएंगे। तो वह जो व्यक्ति जो फूल वाला था वो बोला अच्छा जी चलो मान लिया मैं खड़ा हो गया, खड़ा होके मैंने जी खूब चीख चीख के कह दिया जी फूल ले लो मेरे सब फूल बिक गए, फिर क्या। तो राष्ट्रपति महोदय बोले अरे फूल बिक जाएंगे तो तेरे पास इतनी कुछ समय के बाद आमदनी हो जाएगी, तू एक दुकान खरीद लेगा, तेरी एक दुकान हो जाएगी। तो फूल वाला बोला चलो जी दुकान हो गई, फिर क्या।
बोले तेरी एक दुकान होगी तो भैया वो दुकान अच्छी सी बढ़िया सी चल गई तो तेरी तीन चार दुकानें हो जाएंगी। तो फूल वाला बोला चलो जी तीन चार दुकानें भी हो गई फिर क्या। बोले तेरी तीन चार दुकानें हो जाएंगी तो इतना अगर तेरा व्यवसाय बढ़िया चल गया तो तू बहुत बढ़िया एक स्टोर खोल लेगा लंबा चौड़ा सा और सब तरीके के विदेशी देसी सब फूल उसके अंदर रख सकता है। हाँ तू इस पूरे स्टेट का बहुत बड़ा फूल वाला बन जाएगा। तो फूल वाला बोला अच्छा जी मैं इस पूरे स्टेट का सबसे बड़ा फूल वाला बन गया फिर क्या। तो राष्ट्रपति महोदय बोले फिर तू आराम से सोएगा। बोले तो मैं अभी क्या कर रहा है। तो जिसे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, हाँ होंगे भगवान होंगे राक्षस होंगे कछु हमें कहा है हमें तो अपने जीवन से मतलब है। तो उनको तो भैया हम कछु भी कह ले कछु ना होए वो जू भी ना रहने की कान पे। एक दूसरों तरीके को व्यक्ति भी है, ये क्या है लोक लज्जा वाले व्यक्ति हैं, भय वाले व्यक्ति हैं। वो जी कंठी नहीं पहनेंगे क्योंकि अभी हम प्याज लहसुन खाते हैं मांस खाते हैं या कुछ पीते हैं। जिस दिन हम ये छोड़ देंगे उस दिन हम कंठी धारण करेंगे दीक्षा लेंगे नाम लेंगे। इतने साल है गए छोड़ ना पाए आप छोड़ दोगे का। क्या छोड़ सकते हो तुमने तो 85 बार कोशिश भी करी होगी छोड़ने की। अगर कोई बुरा व्यसन हो जीवन के अंदर तो तुमने कोशिश भी करी होगी आज मैं कसम खाता हूं या खाती हूं आज के बाद ये चीज ना खाऊंगी ना पीऊंगी ना करूंगी परंतु 10 दिन के बाद महीने भर के बाद फिर से चालू। तो ये जो दूसरी तरीके का जो व्यक्ति है ये बड़ा गड़बड़ वाला व्यक्ति है कि जीवन में हमेशा इनसे पूछो जी कोई गुरु गुरु है कहीं कहां जाओगे कौन सी वाली डेस्टिनेशन है तुम्हारी। बोले जी अभी तो कोई भी नहीं है मैं अपने आप को सुधारने का प्रयत्न कर रहा हूं। देखो बड़े नियम होते हैं बड़ी सारी बंधन बन जाते हैं मैं अभी किसी बंधन बंधन में बंधने वाला नहीं बंधना नहीं चाहता हूं। अरे गुरु किस बंधन में बांधेगा। यहां तो आज जब कीर्तन कर रहे थे उसमें भी स्वयं आ रहा था हाँ जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो बस राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। चैतन्य महाप्रभु जब जंगलों से निकल रहे थे हरिनाम बांटते हुए चल रहे थे वहां शेर आदि भी थे जो महाराज उनके उस हरिनाम को प्राप्त कर रहे थे। अब शेर मांस खाना छोड़ देगा क्या। घास पे जीवित रह सकता है क्या शेर। श्री वल्लभाचार्य आदियों ने तो हंस आदियों को भी दीक्षा दी है। हंस कौन सी पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाएगा। हम कुछ नहीं देखो ये दूसरा वाला व्यक्ति ये सोचता है मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं उसके बाद मैं अच्छे वाले मार्ग पर चलूंगा। ना उससे कोई पीना छूटता है ना उससे कुछ खाना छूटता है ना छूटता है ना भगवत नाम प्राप्त होता है ना भगवत नाम प्राप्त होता है ना डेस्टिनेशन के बारे में आगे बढ़ पाता है। कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। आचार्यों ने तो यहां तक कहा है कि कलंक किसको नहीं लगे हैं अवगुण किसके अंदर नहीं है। श्री भगवत रसिक जी के दोहे के अंदर तो आता है कि समुन्दर के अंदर भी बड़ नावल नाम की अग्नि विराजित है बड़े बड़े ज्वालामुखी उसके अंदर विराजित हैं जो इस पूरी सृष्टि को इस पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। इंद्र के अंदर भी हजारों योनियां विराजित हैं। भगवान शिव भी
विष्णु नाम का कलंक अपने गले के अंदर धारित करके रहते हैं। भगवान विष्णु भी जो है वे जब भृगु ऋषि ने आके उनके छाती पर एक लात मारी थी, उस लात का निशान आज भी अपनी छाती पर रखते हैं। दीपक भी जब जलता है तो अपने ऊपर लौ रूपी कलंक को लेके जलता है। चंद्रमा के हृदय में महाराज दाग लगा हुआ है। यह सबके पास कलंक है, परंतु इन सब यह सबके सब भगवत नाम करते। ये कोई भी भगवत नाम नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना हो, किसी भी बात किसी भी लोक में जाना हो, गुरु का गुरु से नाम की प्राप्ति। अब क्या होता है जी, कंठी नहीं पहनेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे कंठी? और जी देखो इधर उधर जाते हैं, कभी प्याज लहसुन खा लिया तो सुनने को मिलेगा। कौन से शास्त्र में लिखा है सुन लोगे तो उसके बाद तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, या प्याज लहसुन खा के तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? या तुम अगर तुम बोलते हो कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है, तो नाम रूपी जो औषधि है वह भगवत नाम जो है, हरि नाम जो है, गुरु के दिया हुआ जो नाम दान है, वह भैया तुम्हारे सब उन अधर्मों को समाप्त कर देगा, तुम्हें फिर से धर्म के मार्ग में प्रशस्त कर देगा। अगर ये दो प्रकार के व्यक्ति सुधर जाए, वो जो कुछ करना नहीं चाहता जो आराम कर रहा, और दूसरा वो जो लोक लाज लज्जा और भय के कारण कुछ नहीं करना चाहता है, जो सोचता है मैं पहले सुधर जाऊं फिर अपने आप को अच्छी तरीके से सुधारूंगा, उसे मानना पड़ेगा एक दिन तो कि उसने अपनी तरफ से सब कोशिश कर ली, उसके बावजूद भी वह सुधर नहीं पाया। तो भैया जब बुखार आता है तो हम सब के सब घर में सब दवाइयां खाना चालू कर देते हैं। माँ बोलती है ये खाओ, पिता बोलते हैं ये खाओ, पड़ोसी कहते हैं ये खाओ, सब दवाइयां चालू कर देते हैं, परंतु जब कोई दवाई काम नहीं करती तब डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भैया हमने माँ की भी कसम खा ली, हमने पिता की भी कसम खा ली, हमने भगवान की कसम भी खा ली कि हम ये भी छोड़ देंगे, हम वो भी छोड़ देंगे, परंतु आज तक ना छूटा हो तो मैं गुरु शरण में चले जाओ। गुरु शरण अगर प्राप्त हो गई तो अपने आप भगवत नाम छुड़ा देगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।